हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमारा मैंने आपको यूनिट नंबर 4 हमारी जो थी, ठीक है, कैनाल रेगुलेशन वर्क हमारे खत्म हो चुके थे। क्यों मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, देखो अगर आप सिलेबस पे जाओगे तो मुश्किल से आपको 5 यूनिट मिल जाएगी, बहुत इजी वाली। लेकिन होता क्या, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आपके होते हैं जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, कैसे मैं उसकी चीज को यूनिट बना के, मैंने अगर आपको मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपके थे उनकी यूनिट बना दी एक, और मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया है, लेकिन फिर वही अच्छी बात है भाई। अगर एग्जाम का पेपर आप सॉल्व करने बैठोगे, अब आपको क्वेश्चन अगर दिखेगा वो कहाँ से है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा बुरा लग जाता है, इसलिए अपना क्या करते हैं, सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं। और मैंने सीक्वेंस जो रखा है वो इसलिए रखा है, देखो पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया भाई, कैनाल बनाने सिखा दिए, डिजाइनिंग वगैरह आईएस कोड हमने यूज कर लिए, सब कुछ कैनाल की डिजाइनिंग हमने अच्छे से कर ली। डिजाइनिंग के बाद मैंने तुरंत आपको क्या पढ़ा दिया, उसके रेगुलेशंस, ठीक है, कैनाल रेगुलेशन वर्क्स। कैनाल रेगुलेशन वर्क में हमने क्या देखा, कैनाल किस तरीके से काम कर सकते हैं और क्या उनमें आपके इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा मैंने जो लिंक कराया वो इसलिए कराया ताकि कैनाल आपने ताजा ताजा पढ़ा था कि हाँ भाई कैनाल के बारे में अच्छे से पता था। अब अगर मैं 2-3 मिनट बाद आपको फिर पढ़ाता कि देखो यार तुमने कैनाल में ऐसा पढ़ा होगा, रेगुलेशन हमें करनी पड़ी थी, तो भी दिक्कत आती। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज के लेक्चर में आपका यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिकली डरना मत, बेसिकली चैप्टर्स ही आपके, ठीक है, छोटे छोटे, क्योंकि देखा ना आपने यूनिट 4 हमारी कितनी जल्दी खत्म हो गई, इसलिए था, ठीक है। यूनिट 5 का नाम दे रहा हूँ उसको, यूनिट 5। अगर मैं मेन यूनिट बताऊ ना आपको तो अभी कौन सी रहेगी, सिर्फ डैम वाली रह गई है, ठीक है, डैम वाली हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको सारे मिसलेनियस टॉपिक में क्या चाहता हूँ आपके कवर करा दूं, सारे मिसलेनियस टॉपिक जो हमारे हैं, ठीक है। और सर मिसलेनियस टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या, भैया उनका नाम ही मिसलेनियस रखा गया है, उनमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और फिर मैंने आपको फिर बोला कि रेड पेन से बार बार पूरा बोर्ड क्यों भरता हूँ, उनमें जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, एक बार को आपकी यूनिट से क्वेश्चन ना बने। हालांकि जो आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले ना मिसलेनियस, अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ सीपेज, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा जिक्र कर देता इस बारे में, थ्योरीज ऑफ सीपेज। इसके ऊपर 3 थ्योरीज थी, तीनों थ्योरी का जंक्शन, डिसएडवांटेज, दूसरी थ्योरी क्यों लाए, क्या फॉर्मुलेज वगैरह है, ये सब है। देखो यार अगर बहुत एकदम सही बात बताऊं तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, 2 थ्योरी तो मैं आपको पूरा ऐसे पढ़ा दूंगा जैसे आपको बीटेक में पढ़ाया जाता है, ठीक है। थर्ड थ्योरी खोसलास थ्योरी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और यही हमारा जो सबसे एडवांटेज वाला था, ये के लिए सबसे मॉडर्न जो हमारी थ्योरी थी वो यही थी। खोसला थ्योरी को अगर पढ़ाने में आपको बैठूं तो अराउंड एंड अराउंड आपके लगेंगे 3-4 घंटे, तीन खोसला थ्योरी को हम लोग डिजाइनिंग करेंगे सब। अगर भाई अगर मैं बीटेक में मैं आपको बीटेक पढ़ा रहा होता, सेमेस्टर एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते, तो खोसला थ्योरीज की पहले तो थ्योरी पढ़नी पड़ती, एडवांटेज पढ़ने पड़ते, सब कुछ क्या थे उनके एडवांटेज, दूसरी थ्योरी से अलग क्यों थी, फिर जो उनकी डिजाइनिंग होती है ना वो आराम से 4-5 पेज में आता है उसकी डिजाइनिंग। अगर मैं आपके नोटबुक की बात करूं, 4-5 पेज पे आपके उसकी डिजाइनिंग खत्म होती है। क्या करते हैं हम लोग, हर जगह पे प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। सर फिर हमारा क्या होगा, मैंने आपको अनजाने में 2 सब्जेक्ट से जोड़ दिए इन थ्योरीज को, जो आपकी खुसरा थ्योरी है ना, जानबूझ से मैंने क्या करा, इसीलिए आपका 2 सब्जेक्ट से जोड़ा। सब्जेक्ट नंबर 1 सॉइल में हमने एक चीज पढ़ी थी, पाइपिंग फेलियर पढ़ा था कि भाई एग्जिट ग्रेडिएंट होता है, सीपेज का प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड साइड से, अगर वो ज्यादा हो गया तो हमारा जो पार्टिकल है वो निकल के बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा, ये हो गया। ये हमने सॉइल में पढ़ा था, वहां मैं आपको नहीं बता सकता था क्योंकि उस टाइम पर डिसाइड नहीं था भाई हमारा बेसिकली आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सॉइल मैंने आपको पढ़ाया, एडवांटेज क्या है, अब जो मैंने आपको सॉइल में पढ़ाया था वो मैं आपको लिंक कर सकता हूँ इस वाले सब्जेक्ट में भी, ठीक है। अच्छा बात करेंगे इस वाले में, अब हम इरीगेशन में पढ़ने वाले हैं, खोसला थ्योरी वगैरह जो हमारी, ठीक है। खोसला थ्योरी की हम लोग बात करें तो उनका जो आपका बेसिकली डिजाइनिंग है वो 4-5 पेज में आता है, और डिजाइनिंग भी बहुत अलग है, फॉर्मूलाज हैं, क्या है हमारे फॉर्मूले हैं, प्रेशर फाइंड आउट करते हैं हम लोग हर एक पॉइंट पे डैम का। मान लीजिए आपका कोई भी आपका डैम है, ठीक है, या बैराज है कोई भी आपका, भाई हेड वाटर यहाँ पे है पानी का, डाउन स्ट्रीम में ये पानी है, ठीक है, तो एक अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, क्या लगता है हमारा, अपलिफ्ट का प्रेशर लगता है। सही अपलिफ्ट का प्रेशर लगाता कौन है बेसिकली, अगर हम लोग बात करें आपका ऐसे लग जाएगा किसी हेड, अगर यहाँ पे पानी है स्मॉल एच का है
तो ये स्मॉल एच की हाइट पा जाएगा। ठीक है, ये कौन लगा रहा होता है आपका सीपेज वाला वाटर। सर सीपेज वाला वाटर कहां से आया, इसके जो फाउंडेशन से, भाई यहाँ तो कंक्रीट मेसनरी की फाउंडेशन है, यहाँ सीपेज नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने वाटर का सीपेज, अगर कंक्रीट से भी थोड़ा बहुत सीपेज तो आपको देखने को मिलता है, कुछ सालों बाद आपको सीपेज चालू हो जाता है, उससे जो वाटर के मॉलिक्यूल है अपवर्ड डायरेक्शन में एक आपका अपलिफ्ट प्रेशर लगाते हैं। उस प्रेशर से खतरनाक क्यों है वो हमारे लिए, सबसे ज्यादा खतरनाक जो माना जाता है अपलिफ्ट प्रेशर, इसलिए माना जाता है पूरा पूरा डैम का फेलियर हो सकता है उससे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर डैम है और फेल कर जाएगा तो कितनी हमारी लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर जगह प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर 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 किसी भी पॉइंट पर। अगर वो प्रेशर के फॉर्मूले बताऊं मैं आपको, बेसिकली हम लोग पाइल डालते हैं ना, पाइल्स डालते हैं, इंटरमीडिएट पाइल बीच वाली, अपस्ट्रीम वाली पाइल, डाउनस्ट्रीम वाली पाइल, अपस्ट्रीम वाली पाइल, डाउनस्ट्रीम वाली पाइल, इंटरमीडिएट पाइल, तीनों के इंटरमीडिएट पाइल के फॉर्मूले अलग है, तीनों में अपना एंगल वगैरह यूज करना पड़ता है, बहुत फॉर्मूले हैं, डिजाइनिंग है भाई पूरी पूरी। ठीक है, तो यार वहां मेरे थोड़े हाथ बंधे हुए हैं कि मैं आपको वो डिजाइनिंग नहीं करा सकता, लेकिन क्या करा सकता हूं मैं आपको, एग्जाम में बैठा हुआ एक एक क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला एक एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा सकता हूं, जितना मैं आपको खोखलाते हुए पढ़ूंगा, पढ़नी तो पड़ेगी, बिना पढ़े थोड़ी चलेगा, क्योंकि आज के मॉडर्न जो आपका रिसेंटली यूज करे जाते हैं वो आपकी एक खोखला थ्योरी ज्यादातर यूज करी जाती है, उससे पहले लेकिन दो थ्योरीज और आई थी। ठीक है, वो भी पढ़नी पड़ेगी, वो भी हमें जरूरी है। अब डैम की बजाय, क्योंकि हम आप सीएम बीटेक का सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे, एनालिसिस ऑफ डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर आपका आता है वियर, क्या आता है हमारा वियर। ठीक है सर, वियर क्या होता है भाई, थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जिसकी हम डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, जिसका हम फेलियर रोकना चाह रहे हैं, वो क्या है। ठीक है, थ्योरीज पढ़ लेंगे सब कुछ, पहले मैं आपको वियर सिखाऊंगा, वियर हमारा क्या होता है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या देखेंगे, अपना इनकी थ्योरीज वगैरह देखेंगे कैसे कैसे हमारे आए थे। थ्योरी से पहले मेरा थोड़ा तरीका मैं आपको डिफरेंट कर देता हूँ, थ्योरी से पहले आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों थ्योरी आई, क्यों साइंटिस्ट को अपना बेसिकली हमें निकालना पड़ा अपने नई तरीके, क्यों उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी। ऑब्वियसली बात है, दिक्कत आई होगी तभी तो थ्योरीज आई है, तभी तो इनको सोल्यूशन निकले हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी तो उसको सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे फिर उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, यही तो तरीका होता है, किसी भी चीज को पहले प्रॉब्लम तो आने दो तभी सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाता है। प्रॉब्लम कैसे आई थी, कब आई थी, ईयर तक बताऊंगा, हालांकि पूछा नहीं गया आज तक कभी भी, क्या पता है ये वगैरह में थोड़ा लेवल हाई कर देते हैं, बेसिक से पूछ मारते हैं कि ठीक है आपको थ्योरी पता है बहुत अच्छी बात है, डिजाइनिंग आती है बहुत अच्छी बात है, आज अब ये बता दो कौन से साल में आई थी, क्वेश्चन वहीं रह जाता है। तो मैं तो वही अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व में कोई करने की जरूरत नहीं है, है भी नहीं बेसिकली, खोसला थ्योरी के न्यूमेरिकल होते हैं, तीन चार पेज की डिजाइनिंग होती है। अब देखो यूनिट 5 हमारी क्या है आपकी, थ्योरीज ऑफ सीपेज, सीपेज वर्ड क्या होता है, थ्योरी समझ में आ गई, कोई थ्योरी होगी सीपेज बेसिकली, भाई वाटर की आपकी कोई भी ग्राउंड का लेवल है, वाटर अगर उसके बारे में पढ़ दो, ये पार्टिकल है आपके, सीप करते करते वाटर उसके लेवल के अंदर चला जाए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीपेज वगैरह बोलते हैं। तो और मैंने क्या बोला आपको, यही सीप, जो वाटर सीप होता है ना, फिर ये नीचे जाके क्या करता है, एक अपलिफ्ट प्रेशर लगाता है, क्या लगाता है, यही वाटर क्या करता है अपना अपलिफ्ट प्रेशर लगाता है, जिससे मेरे पूरे पूरे डैम को फेल होने की मेरी संभावनाएं हैं, और इस संभावना से बचने के लिए ही सारी थ्योरी बनाई गई थी, यही सारी प्रॉब्लम थी, इनका सॉल्यूशन क्या बना था, ये हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सारी चीजें आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखो लेकिन सबसे पहले मैं वही वाली बात हो जाती है, थ्योरी तो पढ़ लेंगे, व्हाट इज वियर, वियर क्या होता है, ये तो आपको पता है कि हमारे सब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ही हैं, क्या है हमारे स्ट्रक्चर्स ही, आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ही हैं, वो तो बात हमें समझ में आती है। ठीक है, भाई स्टार्ट ले जाते हैं वियर से, वियर क्या होता है, ऑब्वियस बात है, तो मैं आपको बोलने वाला हूं कि भाई एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, जो भी आपके वाटर के ऊपर स्ट्रक्चर बने ना, बेसिकली उसको बोलते हैं ना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एग्जांपल डैम, बैराज, वियर। ठीक है, देखो तो वियर की बात करूं, ये क्या आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट करा जाता है अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब मैं प्लान व्यू दिखा रहा हूं, हेलीकॉप्टर व्यू, मान लीजिए आपको क्या आपका ये रिवर है। ठीक है, आपकी क्या है, आपकी ये रिवर है, प्लान व्यू से अगर आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर व्यू से,
रिवर आपको फ्लो करते दिखा दिए, पानी शांत पानी एकदम, कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या अगर आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये अक्रॉस दी विड्थ ऑफ द रिवर, मान लीजिए आपकी ये विड्थ है रिवर की, ये लेंथ जितनी भी चली आ रही है, मैं कोई सेक्शन मान ले रहा हूं, अक्रॉस दी विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, बेसिकली आपको जो हम लोग जो फ्लो कर रहे हैं अक्रॉस दी विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब अगर मैं साथ साथ चल रहा होता तो हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और मान अगर अक्रॉस में जा रहा हूं तो डायरेक्शन ये, और विड्थ के साथ साथ अगर हम चल रहे हैं तो ऐसे हमारा ये हो गया। Across the width of the river, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ये प्लान व्यू से देख रहे हो, ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि नहीं सर हमें तो कुछ इस तरीके से दिखा दो सेक्शन से, तो यहां से काट लो भैया, एक्स काट लो, आ जाओ, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो वॉल है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और साइड में कैसे फाउंडेशन होगी इसकी, ठीक है, और क्या होगा हमारा वाटर जमा हो जाएगा, ठीक है, कैसे इस तरफ वाटर, क्या दीवार अगर ऐसी खड़ी है कुछ भी नहीं, दीवार हमारा अगर ये हाथ मेरा समझिए, या आपके एक तरीके से वॉल जिसको आप बियर कर दे रहे हो, वैसे हम लोग इसके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, ये खड़ा है, अब अगर पानी रोक दूं चलते हो, यहाँ पे मेरा हाथ के हाइट तक मेरा पानी जमा होना चालू कर देगा, ऐसी है वॉल बना दी, ऐसे 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 वाटर पानी जमा होना चालू हो गया। ये कौन सा आपका क्रॉस सेक्शन है, एक्स एक्स वाला, भैया थोड़ी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, इंजीनियर हो और खासकर अगर आपने सिविल इंजीनियर हो तो ड्रॉइंग्स जो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, उस सब इमेजिनेशन के ऊपर कहानी चल रही होती है, अगर इमेजिनेशन ये नहीं कर पा रहे हो तो भैया स्टील वगैरह कैसे पढ़ोगे, स्टील में तो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करनी, हमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है, बोल्ट मेरा कहाँ लग रहा है, ठीक है, टैगिंग वगैरह हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ये सब हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। फिर भी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, भाई ये मेरा हेलीकॉप्टर नहीं होता ऊपर से, अगर मैं देखूँ किसी को ऊपर से मैंने देखा तो रिवर मेरे को बहती हुई दिख रही थी, और ये अगर मैं इसको ये देख लो, चलो यार बना देता हूँ आपकी और हेल्प हो जाएगी, देखो अब सारी डायग्राम क्लियर हो जाएंगे, समझ रहे हो, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपका 3D में आपका जाएगा, इसके लिए कोई भी आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ये डैम हमारा बन गया, ठीक है, और 3D में देख लेना पीछे जाके, तो इस तरफ वाले में सारा पानी भर गया, और इस तरफ वाले में ये आपको प्योर वॉल दिख रही है, मैं सूती नहीं है, गेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं थोड़ा बहुत, वेयर वगैरह में तो नहीं करते, डैम वगैरह हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, वेयर मान लीजिए आपका बेसिकली होता है, ये ओवरफ्लो वाला होता है, क्योंकि डैम के ऊपर हम लोग पानी अलाउड नहीं करते, वहां तो रोड वगैरह होते हैं, ब्रिज वगैरह होती हैं, इनके ऊपर से हम लोग पानी अलाउड करते हैं, क्यों सर ऐसे भी करते हैं, क्योंकि डैम आपका 100 मीटर का बनाया जाता है, ठीक है, उसमें कैटेगरी बहुत ज्यादा होगी, आपकी छोटी छोटी होती है, ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई आपके वियर की, ठीक है, तो आपकी वियर हार्ड टू हार्ड कितनी वैरी करती है, 2 से 5 मीटर, 2 से 5 मीटर, मतलब ये जो हाइट है ये 2 to 5 मीटर की है, वाटर इसके ऊपर से फ्लो करता है। सर हमने ऐसा करा क्यों, नेचुरली रिवर जारी थी, क्या दिक्कत हो गई हमें, देखो अब भैया अपने फायदे के लिए, अपने इरिगेशन के लिए, इसी काम के लिए, क्या जो पानी इकट्ठा हुआ यहाँ पे इतनी हाइट का, जो कभी पानी इतना चल रहा था रिवर पे, धीरे धीरे अपना चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बह रही है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, बना दिया वियर, पानी का लेवल बढ़ना चालू करा, बड़ा बड़ा बड़ा, एक टाइम ऐसा है कि फ्री लेवल पता लग गया फुल लेवल, और उसके ऊपर से बहना चालू कर दिया उसने, लेकिन ये पानी जो जमा करा है वो इकट्ठा हो गया। यहां से हम अपना इरिगेशन कैनाल का निकालते हैं, पहले हमने क्या पढ़ लिया, कैनाल पढ़ लिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक मैं आपको बताऊं, मैं इतना कर दूंगा जिस दिन आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा ना आपका, आप इस लायक होंगे कि आप किसी भी लेमैन को समझा दोगे कि भैया हमारे सिविल इंजीनियरिंग में खेती कैसे करी जाती है, कहां से पानी आता है, कहां से हम लोग कैनाल डिजाइन करते हैं, कैसे कैसे हमारी डिजाइनिंग है। पहले मैंने आपको सिखाया कि कैसे कैसे हमारी क्रॉप है, वीट हो गया, उन्हें कितना पानी चाहिए, फिर मैंने आपको सिखाया कि ये पानी आता कैसे है, कैनाल के जरिए आता है, कैनाल का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कैनाल से पहले कहानी कौन चल रही होती है, जहां पूरा पूरा सिविल इंजीनियर का रोल है, ये सब सिविल इंजीनियर का बना रहे हैं, वियर हो गया, डैम हो गया, बैराज हो गया, ये सब कौन बनाते हैं, सिविल इंजीनियर बनाते हैं। तो फील्ड बाद की कहानी, उससे पहले कैनाल वगैरह डिजाइनिंग कर ली, यहां से आता आपका कैनाल, यहां से हम कैनाल के लिए अपना स्पेस बनाते हैं, और कैनाल का वाटर यहां से निकल के चल रहा होता है। तो डेफिनेशन दो अगर मैं वियर की, तो यहीं से मेरी डेफिनेशन बन जाएगी, कोई मैं इंजीनियरिंग वाली डेफिनेशन दे रहा, कोई मैं बुकिश लैंग्वेज आपको हार्ड हार्ड नहीं दे रहा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन हो सकती है, मैं तो बेसिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ देखना। वियर क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, क्या है हमारा वियर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, मतलब जो आपकी रिवर फ्लो कर रही थी उसकी विड्थ के अक्रॉस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है।
और फिर मैंने क्या बोला ऐसा करते क्यों है ताकि इसके लेवल को रेस कर सके, क्या कर सके हमने उसके लेवल को रेस कर दें वाटर लेवल को, जिससे जो कुछ फ्रेशन ऑफ वाटर है, मान लीजिए मैंने क्या बोला आपको सो डेट द फ्रेशन ऑफ वाटर, वाटर है सो फ्रेशन है कुछ पानी, ऐसा नहीं सारा सारा पानी, कुछ फ्लो भी करेगा, सिर्फ जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है कैनाल की रिक्वायरमेंट है कुछ फ्रेशन ऑफ पानी का जो फ्लो है वो मैं डाइवर्ट कर सकूं अपने कैनाल इरिगेशन सिस्टम के लिए, क्या कर सकूं उस वाटर को मैं डाइवर्ट कर सकूं अपने कैनाल इरिगेशन सिस्टम के लिए। लिख लो डेफिनेशन लिख लो, वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वियर की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है 5 मीटर तक, ठीक है 5-6 ऐसी बस चल जाना 2 से 5, क्योंकि अगर मैं बात करूं बैराज, अगर आपको 5 मीटर से ऊपर जा रहा है हाइट में तो आपको उसको बैराज बोल देते हो, 5 से 50 मीटर हम लोग क्या बोलते हैं बैराज, और फिर जैसे हमारा कानपुर गंगा में बैराज बना हुआ है वो बहुत फेमस होगा, ठीक है वो हम लोग बैराज देख लेते हैं, उसके बाद अगर 50 मीटर से ऊपर भी जाना है फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है तो फिर डैम बनाने पड़ते हैं 100-100 मीटर की हाइट के, ठीक है देखो 80 मीटर 100 मीटर ऐसे हो, तो वियर इस क्या है हमारा ये आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर, किसके लिए सो डेट हम लोग क्या कर सके अपना जो हमें वाटर है रेस कर सके और उसको किसी फ्रेशन को हम वाटर का ले सके, ठीक है तो क्या बोला मैंने आपको अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर टू रेस इट्स वाटर लेवल, यही तो बात है सारी। अगर मुझे पानी, कुछ बच्चों के मन में सवाल ये होगा अच्छा ठीक है पानी तो रिवर से पहले ही बह रहा था अब वहीं से वहीं निकाल लेते हम लोग, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी, किसी हाइट में मेरे को वाटर चाहिए था, किसी हाइट से वाटर लूंगा एनर्जी आपको होगी स्टोरेज ज्यादा होगी ज्यादा पानी ले पाऊंगा, इस तरीके से हमें अपना बनाना पड़ा, ठीक है टू रेज द वाटर लेवल सो डेट अ फ्रैक्शन ऑफ फ्लो, जो कुछ हिस्सा सारा पानी नहीं कुछ रिवर का हिस्सा मैं अपना कैनाल के लिए ले जा सकूं, ठीक है फ्रैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर कैन बी डाइवर्टेड, ठीक है डाइवर्टेड मतलब आप निकाल सको वहां से डाइवर्ट कर सको, भैया साहब लोग इस पेमेंट पे चल रहे थे इस रोड पे चल रहे थे, अगर मैं आपको डाइवर्टेड रोड दिखा दूं इस तरीके से जिसको सीधे जाना सीधा, तो एक तरीके से रिवर चल रही थी हमने डाइवर्ट कर दिया कैनाल के लिए पानी, ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं डाइवर्टेड कैन बी डाइवर्टेड into the canal irrigation supply या फिर irrigation network जो हमारा है, ठीक है irrigation work इसे हम लोग क्या बोलते हैं वियर, और वियर की जनरली हाइट कितनी होती है आपकी 2 से 5 मीटर, कितनी हमारी हाइट होती है जनरली 2 से 5 मीटर। तो बैराज क्या होता है, ठीक है बैराज आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उसका भी काम यही है कि पानी रेस करना और जिस भी रिक्वायरमेंट का आपको चाहिए किनारे इरिगेशन के चाहिए वो भी ले लो, ठीक है और भी किसी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए आप ले सकते हो, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है किसे हम लोग वीएम बोलेंगे किसे बैराज बोलेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूं, इसे नोट करो, ठीक है देखो यार अगर इंजीनियरिंग टर्म में आप मैं डिफरेंस निकालना चाहूं तो इंजीनियरिंग टर्म के हिसाब से बहुत आपका क्या मैंने आपको बोला डिफरेंस काफी अच्छे होते हैं, वो सब क्या होता है आपके डेप्थ नॉलेज में जाए तो डेप्थ नॉलेज की मैंने आपकी बात करी, ठीक है बेसिकली क्या आपका अगर सेमेस्टर वाले एग्जाम में पढ़ रहे होते ईडीएस में जो सब्जेक्ट है आपका वो पढ़ रहे होते तो उसमें और अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह जो हम लोग यूज कर सकते थे या और चीजों से हम लोग डिफरेंशिएट करते, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसके मैंने आपको क्या करें आपके वियर और बैराज के मैंने आपके डिफरेंस फाइंड आउट करें, ठीक है देखो तो हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं वियर और बैराज को डिफरेंशिएट दोनों में डिफरेंस क्या होता है अपने आप लिखाऊंगा अपने आप समझ में आएगा आपको, देखो वियर और बैराज बाकी डैम तो आप लोग अच्छे से जानते ही, ठीक है इन दोनों में बस थोड़ा सा आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, वियर तो आपको समझ में आ गया दोनों सिनेटिक्स का है दोनों ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है दोनों ही कैनाल इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करे जा सकते हैं दोनों ही बेसिकली क्या करते हैं वाटर के लेवल को राइज करते हैं, ये सिमिलरिटीज है। डिफरेंस क्या है जो वियर आपका होता है वो बेसिकली लो कॉस्ट का होता है मतलब उसमें पैसा जो आपका लगता है वो ज्यादा पैसा ही लगता है, सेम हमारा एक बेसिकली आपको दिख रहा होगा वॉल की तरह छोटी सी हमने 2 से 5 मीटर की वॉल की तरह बना दिया और बस
एक बार का जमा हुआ पानी और एक फिर उसके ऊपर से फ्लो करना चालू ने कर दिया, फिर ऐसे चलती रहती रिवर, कोई दिक्कत नहीं होती। 205 मीटर में आपको ज्यादा डिफरेंस भी नहीं रहेगा, ठीक है। 5 मीटर का बनाओ तो जाकर हम दिखेगा हाँ यार ये थोड़ा वियर हो सकता है। तो वाटर फ्लो का कहता है कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है, हाँ बस किनारे के लिए चाहिए तो उसके पीछे से ले लो, तो उसमें पैसे ज्यादा लगता नहीं है। लेकिन बैराज वगैरह में आपका बेसिकली हाई कॉस्ट लगती है, ठीक है, हाई कॉस्ट। डैम से कम एज कम्पेयर टू वियर ज्यादा लगती है, पर डैम से कम ऑब्वियस सी बात है, डैम तो 80 मीटर के हाइट के, तो वहां में हाइट ज्यादा यूज होता है। तो ये हो गया मेरा हाई कॉस्ट का, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या होता है आपका लो कंट्रोल ऑन फ्लो, मतलब फ्लो बह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 5 मीटर की हाइट है, ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली हमें, ठीक है। तो उसकी हमें कोई जरूरत पड़ती नहीं ज्यादा फ्लो कंट्रोल करने के लिए, रिलेटिवली लो कंट्रोल ऑन फ्लोस। लो कंट्रोल ऑन फ्लोस, ठीक है। लेकिन बैराज में आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या हम बात करें अगर हाई कंट्रोल ऑन, हाई कंट्रोल ऑन फ्लो, सर इसमें कैसे फ्लो कंट्रोल करते हैं हम लोग, बाय प्रोवाइडिंग गेट्स, बाय प्रोवाइडिंग गेट्स। जैसे डैम में गेट प्रोवाइड करे जाते हैं ऐसे ही इसमें भी गेट प्रोवाइड करे जाते हैं। अगर मान लो आपने बैराज बनाया है नॉन ओवरफ्लो, मतलब भाई वियर तो क्या है, पानी जमा हुआ उसके ऊपर से पानी बह के चला गया, ये से हम लोग क्या बोल देते हैं ओवरफ्लो। यार आप लोग इस चीज को लिख लो, क्योंकि मैं जानता हूं आपके अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हो तो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा ये वाला सब्जेक्ट, तो बहुत तकलीफ आ सकती है चीज से। भाई मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से पानी फ्लो कर दूं उसे क्या बोल दूंगा ओवरफ्लो। और मान लो कि आपने देखा है कोई कोई पुल अपने हम लोग बनाते हैं ब्रिज वगैरह वो अलग बात हो गई, किसी किसी बैराज के ऊपर भी आपका रोड बनती हुई दिखाई देती है। बेस्ट एग्जांपल डैम पे भी रोड बनी हुई है, ठीक है, हमारे डैम पे बना दी रोड, या फिर कहीं कहीं आपको रेलवे ब्रिज भी दिखाई देंगे, रेलवे क्रॉस भी हो सकता है बैराज के ऊपर से, ठीक है। अगर आपने ब्रिज बहुत चौड़ी रख रखी है बैराज की तो अपना फ्लो भी करवा सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन उसमें अब ऐसा थोड़े अलाउ करोगे, ऊपर रेलवे ब्रिज है आप बोल रहे हो हाँ ऊपर से पानी भेज दो, रेलवे ट्रैक से थोड़ी पानी जाएगा। इसमें क्या करते हो आप लोग पानी का लेवल एक स्तर तक रखते हो बस, उसके ऊपर जो ब्रिज दिख रही है ना, बड़ी ये ब्रिज दिख रही है, ये जो ब्रिज 3D में समझना कैसे बनाऊं, ये समझना ये जो आपकी ब्रिज है ये आपकी रोड है, एक तरीके से देख लो ये आपकी पेमेंट है, यहाँ ऊपर सब कार वगैरह मूव कर सकते हो, कुछ भी आप जो मूव करने हो, रेलवे ब्रिज है रेलवे ब्रिज मूव कर लो। अब यहाँ अगर भाई ये तो 2 से 5 मीटर का था, इसमें तुम्हें अलाउड कर दिया, ये 5 से 50 मीटर में है, इसके ऊपर हम लोग अगर रोड में ना रखे हो पानी भी अलाउ करोगे भैया भेज जाएंगे गाड़ियां, ऐसा नहीं होता। इसमें करते हैं गेट लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं गेट्स प्रोवाइड करते हैं, और जब जब इसके फ्लो के ऊपर से जा रहा होता है ये, जब हमें दिखता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग देखते हैं एक डेंजर जोन होता है उससे ऊपर जा रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं अपना गेट ओपन कर देते हैं, गेट्स हमने ओपन कर देते हैं, तो ज्यादा पानी लेवल बढ़ रहा था वो सारा यहाँ से फ्लो होता रहे फ्लो होता रहे। ये डैम में होता है, डैम में करते हो ये तो करते हो ऐसे हमारा इस तरीके से हमारा फ्लो जाता है, ठीक है। अच्छा इसे क्या बोलोगे इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इसमें रोड वगैरह है डैम वगैरह है जिसमें ब्रिज वगैरह रेलवे ब्रिज है, नॉन ओवर फ्लो, लिख लो एक बार इसको यार कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। देखो अब तो मैंने क्या बोला आपको कि इसमें हमें फ्लो की कंट्रोल करनी पड़ती है, मतलब ठीक है बियर की आपके मेंटेनेंस वगैरह नहीं पड़ रही भाई, इतना फ्लो पे ध्यान नहीं रख रहे, पानी का विवर कितना बढ़ेगा 2 मीटर पे कितनी हाइट जाएगी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फ्लो का इतना कंट्रोल नहीं होता, इसमें कंट्रोल करना पड़ता है, ऊपर रेलवे ब्रिज आ रहा है भाई रेल क्रॉस कर रही है उस टाइम वाटर लेवल बढ़ गया तो हमें गेट वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं। थर्ड की बात करूं आपकी तो बेसिकली है हमारा, तो मैंने आपको क्या बोला कि इसमें तो हम लोग अलाउ कर देते हैं पानी को ऊपर से मूव करना, तो इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग प्रोविजन नहीं रखते, तो नो प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्ट, अगर कोई भी हमने प्रोविजन नहीं रखते ट्रांसपोर्ट का अक्रॉस द रिवर, मतलब अगर आपको रिवर के एक बैंक से इस वाले बैंक से उस वाले बैंक में जाना है या आपने वियर प्रोवाइड कर दिया तो इसके तो ऊपर से पानी बह रहा है तो आदमी कहां से जाएगा कहीं से भी नहीं, तो हम लोग रिवर क्रॉस नहीं कर सकते। अगर बैराज है और आपने अगर वो कर रखा है रोड वगैरह प्रोवाइड कर रखी है रेलवे ट्रैक है तो रेलवे यहाँ से निकल सकती है, लेकिन इस बारे में लिखोगे नो प्रोविजन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द रिवर, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे
whenever required. अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सारे ही ब्रांच में आपको रोड या फिर वो देनी पड़ेगी, जहां रिक्वायरमेंट है। भाई मान लो मेरा ये मान लीजिए विड्थ कुछ ही मान लो यार हाफ किलोमीटर मान लो, ठीक है बस ज्यादा नहीं, ठीक है हाफ किलोमीटर में या फिर कोई वाली विड्थ है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, आप किसी जगह में बता नहीं सकता कितनी हो सकती है विड्थ ऑफ द रिवर जो भी है। अब हो क्या रहा था कि मान लो आपने बराज के ऊपर कुछ भी रोड नहीं बना सकती थी, यहां से हमारे सिटी की मेन रोड आ रही थी और एक सिटी हमें दूसरी बेसिकली यहाँ सिटी से जोड़ना था, कोई मेन हॉस्पिटल है कुछ भी है हमारा, तो होता रहता ना पूरा इसका चक्कर लगा के घूम के रिवर का, कहीं से कहीं जाके इसकी विड्थ कम हुई, वहां जाके गोल गोल घूम के वहां से हमें रोड को क्रॉस करना पड़ रहा था। अब क्या हुआ हमने इसके ऊपर ब्रिज बना दिया, क्या करे यहाँ से मूव करे सीधा हॉस्पिटल यहाँ पहुंच गए। तो ये जहां जहां रिक्वायरमेंट है, मान लो रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरफ भी ऐसे ही उस तरफ भी ऐसे ही है तो मत बना, क्यों पैसा लगा रहे हो, पैसा बचाना आपका काम है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला व्हेनेवर रिक्वायर्ड, एक टर्म लिखने से बहुत मैटर कर जाते हैं बातें, ठीक है। थर्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी आपको जरूरत हो या फिर रोड वगैरह में प्रोवाइड करनी है तो हम प्रोविजन रखते हैं किसका अपने ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। रोड और रेलवे ब्रिज अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो, रेलवे ब्रिज ठीक है, रोड हमारी रेलवे ब्रिज आप प्रोवाइड कर सकते हो, कैन बी। और बेसिकली किस चीज के लिए हम लोग क्लब वगैरह हम लोग कर देते हैं विद द बराज, ठीक है। क्लब मतलब बेसिकली बराज से लिंक कर देना, ठीक है। थर्ड फोर्थ इसमें क्या होता है, क्योंकि कोई गेट नहीं है कुछ भी नहीं है, मान लो 5 मीटर की आपने वॉल दे दी, अब भैया पानी से मिट्टी तो आती है, सिल्ट जमानी चालू हो गई यहाँ पे धीरे 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 धीरे, कुछ सालों बाद क्या हुआ पानी तो इधर से बह रहा है इसमें पूरे में मिट्टी जमा हो गई यहाँ पे, तो ये हमारे लिए खतरा है, क्वांटिटी मेरी कम हो जाएगी वाटर की स्टोरेज की, क्या कैनाल फिर कैनाल कहाँ से निकालोगे, मिट्टी की मिट्टी थोड़ी हो जाएगी कैनाल में। तो क्या होता है कि इसमें सिल्टिंग के चांसेस है, ठीक है, और काफी ज्यादा चांसेस सिल्टिंग के, चांसेस ऑफ सिल्टिंग इज मोर ऑन अपस्ट्रीम साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है आपको जहां भी वो सिल्ट वगैरह दिखाई दी गेट ओपन करा नीचे से सिल्ट बहती चली जाएगी पानी के साथ, ठीक है। मान लो आपका गेट था, ठीक है, और ये हमारा ये प्रोवाइड कर रखा है ऐसे, और मिट्टी होना जमा होने चालू होगी, क्या होगी मिट्टी जमा होने चालू होगी, पानी ऊपर से बह रहा है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे अगर अचानक से इतना गेट ओपन कर देते हो, मान लो एक दिन मैंने ये गेट ओपन कर दिया, तो अब जब एकदम से क्या होगा इसको खाली जगह मिलेगी, तो आपने देखा है कभी ऐसा करा है कि अगर हम लोग अब एकदम अचानक से खोलेंगे तो अभी क्या निकले मिट्टी इस पानी साथ बहती चली जाएगी तेज वेलोसिटी के साथ वाटर के, ठीक है। तो क्या बोलो सिल्टिंग यहां पे कंट्रोल करी जा सकती है कैसे, बाय द ऑपरेशन ऑफ द गेट, सिल्टिंग कैन बी अगर मैं क्या बोला आपको कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ गेट। तो यार देखो ये चीजें थी आपको जो मेरे को पढ़ानी जरूरी थी कि मैं पूरे इरिगेशन में अगर वियर बैराज करता रहता और अगर दोनों ही आपको समझ में आ रही थी सारी कहानी मेरी फेल हो जाती, ठीक है। हालांकि रिक्वायरमेंट थी नहीं इस टाइम पे, हमें क्या पढ़ना अपना थ्योरीज ऑफ सीपेज, तो बिना अपना टाइम वेस्ट करें हम लोग क्या करते हैं अपना थ्योरीज ऑफ सीपेज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वियर समझ में आ गया, अब सारी कहानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना थ्योरीज वगैरह की सारी वियर और बैराज वाली हमारी थ्योरीज इन्हीं के ऊपर लागू होती है, डैम के ऊपर नहीं, डैम के ऊपर आप लोग कर सकते हो, अब अपडेट प्रेशर तो वहां भी आएगा, वहां भी हमें अपनी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ ये सारी हमारी इस चीज के ऊपर थी, थ्योरी ऑफ फेलियर, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम लोग बेसिकली पहले अपने जो हमारे फेलियर हो सकते हैं वियर के उनके क्या चांसेस हैं उनके क्या कारण है इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट करो, ठीक है। तो वियर वगैरह हम लोग देख लेंगे, लेकिन जो कहानी हमारी थ्योरी ऑफ सीपेज जो आपकी सारी आई थी उस पर आपका बेसिकली थ्योरीज तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, पहले ये तो देख लें कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों थ्योरीज आई थी, क्या उनके फेलियर थे, ठीक है। देखो अब तो बात करते किस चीज की अपने कॉजेस, पहले आपको कॉजेस पढ़ाऊंगा प्रॉब्लम दिखाऊंगा फिर जाकर सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते कॉजेस के, ठीक है। बेसिकली आपके टू कॉजेस होते हैं,
मतलब दो कारण आप लोग कह सकते हैं कि फेलियर ऑफ द कॉजेज, फेलियर ऑफ द वियर, टू कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द वियर. फर्स्ट आपका होता है सरफेस, ठीक है. फर्स्ट अगर हम लोग बात करें आपके सरफेस फेलियर, सरफेस फेलियर का मतलब आपका ये हुआ कि मान लीजिए एक दौरान ऐसा आया वियर के डिस्चार्ज के फ्लो पे कि आपका एक्सेसिव टर्बुलेंस बढ़ गया. मतलब भाई लैमिनर फ्लो हमारा होता है एक पार्टिकल एक पार्टिकल एक पार्टिकल एक पार्टिकल फॉलो करते आ रहा है लैमिनर फ्लो. टर्बुलेंस में बेसिकली एक पार्टिकल फ्लो ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का यहाँ है, चौथे का यहाँ है. टर्बुलेंस फ्लो मतलब कोई भी आपका जिसे आप बेसिकली कंट्रोल ना कर पाए टर्बुलेंस आपका फ्लो होता है, ठीक है. अब देखो